अस्सलाम वालेकुम जी, राजगंज फ्रीलांस मासिक का चैनल से आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ कि फाइबर के अकाउंट क्यों बैन होते हैं, कौन से रीजंस होती है जिनकी वजह से लोगों के फाइबर के अकाउंट बैन हो जाते हैं। हज़ारों प्रोजेक्ट करने के बावजूद, बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद फिर भी कोई एक गलती होती है जिससे फाइबर का अकाउंट बैन हो जाता है और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप वीडियो पूरी देखें, स्किप स्किप करके मत देखिएगा। उसकी वजह यह है कि मैं ना सिर्फ आपको वो रीजंस बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिनसे फाइबर का अकाउंट बैन होता है, बल्कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स के, जो मेरे स्टूडेंट्स के हुए, इसके अलावा मुख्तलिफ सारे लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों ने जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए कि हमने ये बात की तो उसकी वजह से हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं ना सिर्फ आपको पॉइंट्स बताऊँगा बल्कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताऊँगा, अपने भी जाती, अपने स्टूडेंट्स के भी और मुख्तलिफ लोगों के भी। तो वीडियो लाजमी देखें और उन बातों पे अमल कीजिए जिनको आपको अमल करने का कहा जाएगा, और जिनसे रुकने का कहा जाए उनसे रुक जाएं, तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट डिसेबिलिटी और बैन होने वाले इश्यूज ऑलमोस्ट 98-97% तक ख़त्म हो जाएंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक। ये काम आपने नहीं करने किसी सूरत, करेंगे तो या तो अकाउंट बैन होगा या आपको वार्निंग आएगी। अब प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के बारे गलत इन्फॉर्मेशन देना इज अगेंस्ट फाइबर टर्म्स एंड कंडीशंस। देन ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, एक बात याद रखें कि ये सारी वो बातें हैं जो इस वक्त आपके सामने है, ये अगर आप करेंगे तो इसके ऊपर आपका सीधा सीधा अकाउंट बंद होगा। इसके अलावा भी रीजन हैं, वो आपको मैं सेपरेटली भी गाइड कर सकता हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, या वो अलग से पॉइंट बना के इसमें ऐड भी कर सकता हूँ। तो ये वो बातें हैं जिनको आपने हमेशा छोड़ना नहीं है। प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी से मुराद ये है कि शनाख्ती कार्ड की गलत आपने आईडी अपलोड कर दी, या आपने नाम गलत लिखा हुआ है, तो ये फाइबर के टर्म्स के खिलाफ है। दो अकाउंट चलाना, ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स का मतलब ये है कि आप एक ही सिस्टम पे दो अकाउंट चलाएं, यानी एक सिस्टम ऑन, एक अकाउंट लॉग आउट करें फिर दूसरा लॉग इन करें, फिर दूसरा लॉग आउट करके पहला लॉग इन करें, ये काम आपने फाइबर पे नहीं करना। ये करेंगे तो आपका अकाउंट दोनों के दोनों बैन होंगे विदाउट वार्निंग, नो वार्निंग नो नथिंग, और दोबारा ऑन भी नहीं होंगे। डजंट मैटर आपके रिव्यूज कितने हैं, आपने 40,000 ऑर्डर किए हुए हैं, आपने 10,000 किए हैं, आपने 100 ऑर्डर किए हैं, आप टॉप रेटेड सेलर हैं, आप लेवल 2 हैं, कुछ भी हैं, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, हो चुके हैं लोगों के इस बात पे। देन आपने एक दूसरे फाइबर कम्युनिटी मेंबर्स को या फाइबर के दूसरे सेलर्स को मैसेज करके यही नहीं कहना कि मुझे ऑर्डर दे दो, आपके पास बड़ा काम है तो मुझे थोड़ा, आप मुझे भी काम दे दिया करें। आपने नहीं किसी को मैसेज करके काम मांगना, क्योंकि वैसे तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन सबके पास होता है, हर सेलर के नीचे नजर आता है उसकी गिग में, तो आप मैसेज कर सकते हैं टेक्निकली, जिसका अकाउंट बन जाता है वो किसी को मैसेज कर सकता है। लेकिन आपने किसी सेलर को मैसेज करके ये नहीं कहना कि मुझे काम दे दो। हाँ, अगर कोई सीनियर सेलर आपके पास आके आपको कहे ना कि मेरे पास बहुत काम है, मुझे आपका अकाउंट पसंद आया, तो फिर आप जरूर कर दें, लेकिन आप किसी को नहीं कह सकते। कहेंगे और उसने आपको स्पैम में डाल दिया तो आपका अकाउंट बंद। देन रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइबर, फाइबर से बाहर कम्युनिकेशन नहीं करनी, ना फाइबर से बाहर पैसे लेकर जाने। फाइबर से बाहर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, स्काइप, जीमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुछ भी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने कस्टमर के साथ उधर जाके बात नहीं करनी, फाइबर पे रह के बात करनी है। और ये भी नहीं है कि कस्टमर कहे कि आप ना बस मुझे काम कर दे तो मैं आपको पेमेंट डायरेक्ट पेपॉल में कर देता हूँ, या यूं कर देता हूँ, वेस्टर्न यूनियन कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये भी नहीं करना। ये पहली बात तो ये है कि ये फाइबर के टर्म्स के अगेंस्ट है, ये आप करते हुए पकड़े गए आपका अकाउंट सीधा बैन, ठीक है, बैन होगा। अभी रिसेंटली मैं एक फेसबुक ग्रुप में किसी ने पोस्ट की हुई थी कि मैंने जो है वो कस्टमर को सिर्फ ये मैसेज किया पेपॉल पे पेमेंट कर दो, और पेपॉल के स्पेलिंग लिखे PAYPL, स्पेलिंग ही गलत, लेकिन फाइबर के एल्गोरिथम ने उसको भी पकड़ा और उसका अकाउंट बैन हो गया। इसी तरह एक स्टूडेंट मेरा बता रहा था कि मैंने जो है ना, वो कस्टमर ने पता नहीं कहा कि मेरे साथ आप ईमेल पे बात करो, तो मैंने उसको सिर्फ ये लिख के भेजा कि फाइवर डजंट अलाउ सेंडिंग ईमेल टू कस्टमर, यानी ईमेल का लफ्ज लिखा तो उसको वार्निंग आ गई कि आपने डायरेक्ट होने की कोशिश की है, तो ये फाइबर की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है। एक बात,
दूसरी बात ये है कि ये क्यों नहीं करना, कई दफा आपको एक्सपीरियंस होता नहीं है, कस्टमर बाहर आके आपसे काम करा लेता है, फाइल्स ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, बाद में वो आपको पे ही नहीं करता, वो आपको ब्लॉक कर जाता है, तो फिर आप बैठे रहते हैं परेशान होके, रो रहे होते हैं कि जी मेरे पैसे खा गया, ये हो गया वो हो गया, तो मैं मुझे तो मैंने इतनी मेहनत की थी और पता नहीं ये कैसे वो कैसे। तो आपने फाइबर से बाहर जाना नहीं है, एक बात पैसों के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से इसलिए बाहर नहीं जाना कि फाइबर आपकी किसी बात का जिम्मेदार नहीं है जो आपने फाइबर से बाहर की है। फाइबर पे जो बात हो रही है वो फाइबर के सर्वर्स में सेव है, यहाँ पे मैसेज डिलीट होता नहीं है फाइबर में, मतलब फाइबर का जो इनबॉक्स या ऑर्डर पेज है, जो मैसेज सेंड हो गया वो हो गया, जैसे मैसेंजर में और व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में आप डिलीट फॉर एवरीवन कर लेते हैं, अब आप कोई सबूत ही नहीं है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पे आपका मैसेज डिलीट नहीं होता, जो आपने सेंड कर दिया वो वहीं रहेगा, और फाइवर के अपने सर्वर्स पे है तो फाइवर उसको जब चाहे रिट्रैक कर सकता है, दोबारा खोल के वेरीफाई कर सकता है कि क्या क्या बात हुई थी। तो इसलिए अगर आपने फाइवर के अंदर किसी बात को जस्टिफाई करना है तो यू मस्ट हैव योर फाइवर कम्युनिकेशन एंड फाइवर प्रूफ्स, नॉट तो योर जीमेल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम कि कस्टमर ने मुझे ये कहा था। फाइवर उसी चीज को मानेगा जो फाइवर के ऊपर हुई भी है, फाइवर के प्लेटफॉर्म पे हुई, फाइवर के सर्वर्स पे हुई है। तो ये बातें आपने अवॉइड करनी है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब ये अकाउंट बंद करने वाली सीधी सीधी बातें हैं, और ये आप इनको आप अवॉइड करेंगे तो अकाउंट आपका बैन नहीं होगा, ना आपको कोई टेंशन होगी। और हाँ, अगर आपका एक अकाउंट बैन हो भी गया है तो आप क्या करें जी, कि आपने एक नया अकाउंट बना लिया और फाइबर को कहीं गलती से भी कर कह बैठे आप कि जी मेरा पिछला अकाउंट कुछ ऐसा था, तो फाइवर ने के लिए कोई दूसरी बात करनी नहीं है, फाइवर की टीम ने उसने अपना आपका दूसरा अकाउंट भी बैन कर देना है, क्योंकि फाइवर की टेक्निकली टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि आप एक अकाउंट अगर बैन करा के बैठ गए हैं तो आप जिंदगी भर दूसरा नहीं बना सकते, फाइवर ये कहता है। लेकिन अब चूंकि हमने काम करना अभी का बंद हो गया तो अब हाथ पे हाथ तो नहीं रख के बैठ सकते, हमने दूसरा अकाउंट बनाने बनाना है। फिर उसका तरीका ये होता है कि आप अपने क्रोम की या ब्राउजर की सारी हिस्ट्री डिलीट करके, कैशे मेमोरी डिलीट करके, सी किसी सॉफ्टवेयर से, सी क्लीनर वगैरह से अपना पूरा पूरा सिस्टम एक दफा टेम्पररी फाइल सारी की सारी साफ करके फिर आप नया अकाउंट बनाते हैं, और फाइवर को आप कभी भी नहीं बताएंगे कि मेरा कभी पहले आपके प्लेटफॉर्म पे अकाउंट था। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं करके देख चुका हूँ कि एक अकाउंट बंद हुआ, पुरानी बात है 2015-16 की, तो उसके साथ कोई पेमेंट मेथड अटैच था। अब मैं चाह रहा था कि वो वाला पेमेंट मेथड जो है ना वो मैं नए अकाउंट में अटैच कर लूँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरा पहले अकाउंट था तो वो मेरा बैन हो गया था, उन्होंने मेरा यूजर नेम पूछा, मैंने बताया, उसने कहा जी वो इन वॉलेशन की वजह से बैन हुआ था, हम आपका दूसरा अकाउंट भी बैन कर रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन मतलब कम्युनिकेशन होती रही कि भाई आप मतलब ये क्या चक्कर है, वो पहला हो गया था, गलती हो गई, आपके प्लेटफॉर्म पे एक सेलर मौजूद है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्विसेज दे रही है, वो कहते जी सीधी सी बात है, आपका अगर एक अकाउंट बैन हुआ है हमारी वॉलेशन की वजह से तो आपको भी दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते। ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फाइवर से हुई हुई कम्युनिकेशन बता रहा हूँ, रियल पर्सन से कम्युनिकेशन। तो अकाउंट बैन हो जाए, पहली बात तो वो काम ही ना करें जिसे बैन हो, एक बात तो ये है ये बैन होने की, वैसे एक बात इनमें नहीं भी मेंशन, और वो है आपकी वार्निंग्स, आपको अगर आ गई हैं 2 वार्निंग्स तो उस पे आपका अकाउंट टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। टेम्पररी रिस्ट्रिक्टेड यानी आप गिग नहीं बना सकेंगे, ऑर्डर भी नहीं आएगा इस पे, कोई अकाउंट हो खुला होगा आप लॉगिन भी कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे आप किसी नए कस्टमर से, जो पुराने कस्टमर हैं उनके साथ आप बातचीत कर सकेंगे, और ना आप कोई गिग बना सकेंगे, ना आप कोई ऑर्डर नया ले सकेंगे, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको फाइबर को जाके अपोलोजाइज करना पड़ेगा, फिर जाके आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी। तो